खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भोपाल से बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आजाद मार्केट में शंकर ऑयल मिल पर छापेमारी, करीब 30 टन सोयाबीन, 10 टन पामोलिन तेल जब्त किया गया है। पैकिंग के साथ बिक रहा था खुला तेल। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां शंकर ऑयल मिल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर ने की ये उचित कार्रवाई। 30 टन सोयाबीन तेल और 10 टन पामोलिन तेल भी इस पूरे कार्रवाई में जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आजाद मार्केट में शंकर ऑयल मिल पर ये छापेमारी। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, मामले को लेकर के किस तरह की अपडेट यहां सामने आ रही है, कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई? देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने आजाद मार्केट स्थित शंकर ऑयल मिल पर छापा मारा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सोयाबीन तेल और पामोलिन तेल की पैकिंग के साथ जो बिक रहा खुला तेल था, इसको भी सैंपल के तौर पे लिया गया है। डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने शंकर ऑयल मिल का लाइसेंस जो है फिलहाल निलंबित कर दिया है। कई गड़बड़ियां पाई गई थी। लगभग 30 टन सोयाबीन तेल और 10 टन पामोलिन तेल जो है यहाँ पर खाद्य विभाग ने भी जब्त किया है। तो कह सकते हैं कि खाद्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई अधिकारियों ने राजधानी भोपाल में की है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें भी बरामद की गई है। इसके बाद अब पुलिस के द्वारा किस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जा रही है, और क्या आरोपियों के द्वारा भी क्या कोई जानकारी सामने आ पाई है पूछताछ में? देखिए, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि अभी डिप्टी कलेक्टर जो है संजय श्रीवास्तव, उन्होंने शंकर ऑयल मिल का जो है लाइसेंस निरस्त कर दिया है। और लाइसेंस निरस्त करने के बाद यहाँ पर जो आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, उस अधिनियम के तहत, कानून के तहत जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भी जो है डिप्टी कलेक्टर फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले पर आरोपी की गिरफ्तारी होगी या नहीं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।